छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में तीन नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अभियान लॉन वर्राटू अभियान का हिस्सा दंतेवाड़ा में सक्रिय तीन नक्सली बने हैं। जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनमें 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी शामिल है। यह तीनों नक्सलियों ने माओवाद की खोखली विचारधारा और शोषण से तंग आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। यह तीनों नक्सली पिछले कई सालों से कई हमलों में सक्रिय रहे हैं। आत्मसमर्पण कराने में DRG दंतेवाड़ा और UIC 195 वाहनी CRPF का विशेष योगदान रहा है। अब तक 169 इनामी माओवादी समेत कुल 662 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया है। दंतेवाड़ा से चंद्रकांत सिंह क्षत्रिय की रिपोर्ट। उपयुक्त तीनों माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में DRG दंतेवाड़ा एवं UIC 195 CRPF का विशेष योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाला सभी प्रकार का लाभ प्रदाय किया जाएगा। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक कुल 169 इनामी माओवादी सहित कुल 662 माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं।